Next question. Question says, in the setup shown, a 200 Newton block is supported in equilibrium with the help of strings and a spring, all knotted up at a point O. And it should be point. It should be point O. Extension in the spring is 4 cm. सवाल है, force constant of the spring is closest to, g की value 10 ले सकते हैं. हमारे ऑप्शन है 30 न्यूटन पर मीटर या फिर 2500, 3000 या 4000 न्यूटन पर मीटर. नाउ सवाल आसान है. इसको अगर हम देखेंगे, यहाँ पे अगर हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस बनाएं, तो दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस. सो यहाँ पे अपनी इस रस्सी में आएगी टेंशन टी. ये एंगल अगर आप इसको हम ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल पूरा करें, ये एंगल अगर 53 है, सो दिस एंगल विल बी 37 डिग्री बिकॉज ये 90 का एंगल है. ये अगर 37 है, तो ये वाला एंगल वी कैन राइट दिस टू बी 53 डिग्री. नाउ अगर इस पॉइंट ओ का हम एफ बी डी बनाएं, सो दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ इसका एफ बी डी, कि आपका पॉइंट ओ है, नीचे आपका 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस, यहाँ पे आपका 37 डिग्री पे एक फोर्स है टेंशन, और यहाँ पे 53 डिग्री पे इस डायरेक्शन में आपका एफ एस पी लग रहा है, लेट्स कॉल दिस एफ. सो कलर चेंज करते हैं पॉइंट अपने पेन का. सो ये वाला एंगल अपना 37 डिग्री है और ये वाला एंगल यहाँ पे 53 डिग्री है. नाउ अगर हम इसके कंपोनेंट्स लें टेंशन और स्प्रिंग फोर्स के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में, तो टी का कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में आएगा उसको हम लिख सकते हैं टी साइन ऑफ 37. एफ एस पी का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा उसको हम लिख सकते हैं एफ आपका स्प्रिंग फोर्स का एफ साइन 53 डिग्री. नाउ टेंशन और स्प्रिंग फोर्स के दोनों के वर्टिकल जो कंपोनेंट्स आएंगे उसको हम यहाँ लिख सकते हैं. टेंशन का जो कंपोनेंट आएगा उसको हम लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू टी कॉस 37 डिग्री प्लस इसका जो स्प्रिंग फोर्स का कंपोनेंट होगा उसको हम लिख सकते हैं एफ कॉस 53 डिग्री. नाउ अगर सब कुछ इक्विलिब्रियम में है यहाँ पे, तो इसका मतलब है एफ नेट फोर्स आपका एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों में बराबर होगा. तो अगर पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम फोर्सेस को बराबर करें, सो वी कैन राइट एफ साइन 53 डिग्री इज इक्वल टू टी साइन ऑफ 37 डिग्री. नाउ इसकी वैल्यू अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं एफ मल्टीप्लाइड बाय साइन 53 आएगा आपका 4/5 विल बी इक्वल टू टी साइन 37 होएगा आपका 3/5. 5 आपका कैंसिल हो जाएगा, विच मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि विच इम्प्लाइज टेंशन टी दैट विल बी इक्वल टू 4/3 एफ. सो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई. तो जहाँ पे भी टेंशन की वैल्यू आएगी उसको हम 4/3 एफ से रिप्लेस कर सकते हैं. नाउ ये इक्विलिब्रियम अगर हम देखें वर्टिकल डायरेक्शन में, सो वी कैन राइट टी, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, टी कॉस ऑफ 37 प्लस एफ कॉस ऑफ 53. नाउ दिस शुड बी इक्वल टू 200. टी को अगर हम रिप्लेस करते हैं 4/3 एफ से, सो हम इसको लिख सकते हैं दिस विल बी 4/3 एफ. कॉस 37 है, उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 4/3 प्लस ये आ गया आपका एफ, सॉरी ये 4/5 होएगा. ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स हो जाती है, इनका ध्यान रखना होगा. तो ये 4/5 हो गया, कॉस 53 होएगा आपका 3/5, शुड बी इक्वल टू 200. इसमें से अगर हम एफ कॉमन ले लें और तो अपना ये जो बचेगा अंदर बचेगा 16/15 प्लस 3/5 है, उसको भी अगर मैं 5/5 से ऊपर नीचे, नहीं 4/5, ये 15 आया, ये 3/5 है, तो ये बचा आपका 3/5 इज इक्वल टू 200. नाउ इसको अगर हम सॉल्व करें, सो इसका अगर हम एलसीएम लें तो 15 आएगा, तो ये बचा आपका एफ मल्टीप्लाइड बाय ये बचेगा 16 प्लस 9 और आपका एलसीएम आया 15, दैट इज इक्वल टू 200. इसका मतलब हो गया एफ मल्टीप्लाइड बाय 25/15 इज इक्वल टू 200. मैंने हर स्टेप लिख दिया यहाँ पे, राइट. 5 से इसे कैंसिल करेंगे तो ये बचा आपका 3, ये बचा आपका 5/3, 5/3 एफ इज इक्वल टू 200, विच मीन्स आपका एफ जो है वो हो गया 200 मल्टीप्लाइड बाय 3/5, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 600/5, यानी कि 120 न्यूटन.
ठीक है, तो ये आपका फोर्स हो गया। नाउ ये बात अपने को पता है कि एफ जो है आपका एक्सटेंशन हमें यहाँ पे दिया हुआ है, इसको कलर फिर एक बार चेंज करते हैं। एक्सटेंशन अपने को दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। नाउ इसको हम लिख सकते हैं, एफ की जो वैल्यू होती है उसको हम लिखते हैं इज इक्वल टू के एक्स। एक्स आया, एक्स की वैल्यू आपने 4 सेंटीमीटर दी हुई है, सो हम लिख सकते हैं 120 विल बी इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय 4 × 10⁻²। माइनस टू इसलिए बिकॉज हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया है, विच एम्प्लाइज जो आपका के है उसकी वैल्यू हो जाएगी 120 / 4 × 100, सो दैट विल बी इक्वल टू 3000 न्यूटन पर मीटर, विच एम्प्लाइज आपका ऑप्शन नंबर 3, 3000 न्यूटन पर मीटर कुड बी द राइट आंसर।